नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट से है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। अब इसने एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि दरभंगा एयरपोर्ट से देश के बड़े शहरों में मुजफ्फरपुर की शाही लीची को भेजे जाने का काम शुरू हो गया है। रविवार को दरभंगा एयरपोर्ट से लीची से लदे विमान ने मुंबई के लिए उड़ान भरी। इस विमान में शाही लीची के कुल 71 पैकेट लोड किए गए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इसे लेकर ट्वीट करते हुए बताया कि मिथिला रीजन के दरभंगा से केंद्र सरकार की नागरिक विमानन मंत्रालय की अति महत्वाकांक्षी कृषि उड़ान स्कीम के तहत पहले विमान ने मुजफ्फरपुर की फ्रेश शाही लीची के साथ उड़ान भरी है। AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज की ओर से भी ये बताया गया कि सरकार की कृषि उड़ान योजना के ताज में एक नया रत्न जुड़ गया है। बिहार के GI प्रमाणित शाही लीची के 71 पैकेट जिनका वजन 965 किलोग्राम है, Tier 3 एयरपोर्ट दरभंगा से मुंबई भेजे गए। मुंबई के बाद अब निर्यातक की सुविधा के हिसाब से ये सेवा दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों के लिए जाने वाली फ्लाइट्स में भी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस व्यवस्था से शाही लीची के उत्पादकों और कारोबारियों को काफी फायदा होगा। बताया जा रहा है कि लीची को फ्लाइट से भेजने में सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन में लीची किसानों को अपने उत्पाद के सही समय पर बाजार में नहीं पहुंचने की आशंका सता रही थी, लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट से की गई व्यवस्था से उन्होंने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब उनकी लीची को मार्केट की कमी नहीं होगी। इस बीच पटना एयरपोर्ट को लेकर खबर है कि 1 जून से यहां से 48 के बजाय सिर्फ 30 जोड़ी विमान ही उड़ान भरेंगे, क्योंकि इसकी क्षमता पर 80% की अधिकतम सीमा यानी कैप को घटाकर 50% करने का फैसला लिया गया है। यानी अब पटना से 18 जोड़ी शेड्यूल विमानों का परिचालन बंद हो जाएगा। हालांकि इसका व्यावहारिक परिचालन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यात्रियों की संख्या में कमी के चलते पिछले 1 महीने से हर दिन 10 से 15 जोड़ी फ्लाइट्स कैंसिल होती रही है और कभी कभी तो 20 से 25 जोड़ी या उससे भी ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आपको बता दें कि पटना एयरपोर्ट की क्षमता 60 जोड़ी विमानों के ऑपरेट होने का है।